वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में, और इसमें आपका पार्ट बी जो ट्रेड सिलेबस है जिसमें मिनिमम 35% स्कोर आप लोगों को लाना ही होगा, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये है ट्रेड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, और जो लोग इंग्लिश मीडियम के हो वही देखना, हिंदी मीडियम वाले अपना ट्रेड का प्लेलिस्ट चेक करो हिंदी मीडियम वाला, और उस वहां पे जो वीडियोज मिलेगा आप लोगों को आप लोग देखना। हिंदी मीडियम में कंटेंट जो है सो हिंदी में है, और इंग्लिश मीडियम में जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो इंग्लिश में रहेगा, बट समझाने का तरीका जो है जैसे मैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में समझाता हूँ बोल के हिंदी में ही, वैसे ही समझाऊंगा। ओके, और हर वीडियोज का आप लोग डिस्क्रिप्शन फॉलो किया करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा इम्पोर्टेंट, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। जो भी है फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, और आप लोगों को कोई क्वेरीज करना होगा तो आप लोग कर सकते हो, इस मेल आईडी पे कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं। चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर डायोड, और ये चैप्टर नंबर 1 है, और इसका ये लेक्चर नंबर 1 है। तो मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट डाउन करना सारा चीज। ठीक है, देखो सेमीकंडक्टर डायोड है तो इसमें हम लोग बात करेंगे कंडक्टर के बारे में। सबसे पहले कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंसुलेटर के बारे में, लगातार बात कर लेंगे इंसुलेटर के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। अब ध्यान से जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट डाउन करो। जब बात कंडक्टर का हो तो आप लोगों के मुंह से निकलना चाहिए कि कंडक्टर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तो होता ही होगा, फ्लो ऑफ करंट होता ही होगा। तो फ्लो ऑफ करंट पॉसिबल कैसे है, कैसे पॉसिबल है फ्लो ऑफ करंट? तो इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे कि ये कंडक्टर है तो फ्री मान लो कि कोई एटम है इस तरह का, तो ये क्या होता है न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे आपका न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, जो भी होता है। तो अगर आपका मान लो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और डिस्टेंस ज्यादा है तो ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो ये कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, और यही आपका इसी की वजह से फ्लो ऑफ करंट होता है, क्योंकि ये क्या करता है ये निकल जाता है, और निकल जाएगा तो ये डोनर का काम करेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर का काम करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं। ओके, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है। तो जो बोल रहे हैं वो समझो और उस हिसाब से आप लोग नोट डाउन करो, फ्लो ऑफ करंट होता है। अब बात करते हैं, ये कंडक्टर के बारे में था। अब देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताया था कि कंडक्टर के केस में क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या होगा, आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब समझने का कोशिश करो। इसका मतलब ये होता है कि अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट घटेगा। सिंपल सा बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा। तो इस कंडीशन को हमेशा फॉलो करना, कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, और यही रीजन है कि इसको बोलते हैं पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। क्या कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, इसको कंडक्टर को कोफिशियंट। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट करके लिखो, क्योंकि कंडक्टर में पीटीसी होता है और सेमीकंडक्टर में एनटीसी होता है, तो वो हम लोग समझेंगे। हम लोग जैसे जैसे बात कर रहे हैं वैसे वैसे समझो। एक टर्म होता है मोबिलिटी, एक टर्म होता है मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होता है बताओ, तो मोबिलिटी होता है आपका हाउ क्विक इज द चार्ज कैरियर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मोबिलिटी क्या होता है, ये आपका होता है, ये इंडिकेट्स करता है, मोबिलिटी इंडिकेट्स हाउ क्विक अ चार्ज कैरियर मूविंग, है ना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
इसी को ये मोबिलिटी डिफाइन किया जाता है, इसी को बोलते हैं वन प्लेस टू एनदर प्लेस। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप लोग मोबिलिटी का डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद आपका बात करते हैं टेम्परेचर। एक बैंड का आप लोग नाम सुने होंगे, चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर डायोड। तो एनर्जी बैंड क्या होता है? सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप लोग रेलवे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और आप लोगों का टारगेट है मिनिमम 35% मार्क्स लाना। तो हम लोग उसी हिसाब से उसी लेवल पे बात करेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। नॉर्मल जो रेलवे पूछ सकता है, जो रेलवे का लेवल है उस उतना ही लेवल पे हम लोग रहेंगे। तो ये होता है एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल होता है। ओके, ध्यान देना, एक होता है आपका कोवेलेंट बैंड। क्या होता है? कोवेलेंट या कंडक्शन बैंड कह सकते हो। एक होता है आपका कंडक्शन बैंड, ओके, और एक होता है आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, अब ये क्या होता है अगर डीपली समझोगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा। सिंपल सा फंडा आप ये समझने का कोशिश करो कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ रहता है, कम्प्लीटली फील्ड पार्शियली फील्ड भरा हुआ रहता है, और कंडक्शन बैंड में इम्पटी रहता है। एक्चुअली ये होता क्या, मैं छोटा सा एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई एटम है, इसके बाहरी ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो एक ही एटम तो होता नहीं है, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सेमी कंडक्टर में, कंडक्टर में अगर आप बात कर रहे हो सॉलिड का, तो सॉलिड में एक ही एटम तो होता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम होता है, बहुत ज्यादा एटम होता है। तो मान लो एक एटम यहाँ है, 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 तो सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, सारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, भागेगा। ठीक है, मान लो यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। ये यहाँ का आउटर, ये इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, और काफी क्लोज क्लोज है। तो एक बैंड की तरह बन जाता है, एक फॉर्मेशन हो जाता है बैंड का, जिसमें एनर्जी होता है, उसी को बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। लेकिन मान लो कि काफी ज्यादा दूर का ऑर्बिट है, काफी ज्यादा दूर का ऑर्बिट है जहां पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहां तक ही फुलफिल हो गया, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, यहां तक ही फुलफिल हो गया, यहां पे है ही नहीं। ठीक है, तो उस कंडीशन में कंडक्शन बैंड बोलते हैं, जहां पे काफी जगह खाली है और इस वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कंडक्शन बैंड की तरफ होता है। ओके, और इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। मैं एक अच्छा सा डायग्राम फिर से बना करके समझा देता हूं ताकि आप लोगों को जो है सो अच्छे से समझ में आ जाए। ये एनर्जी लेवल है, ये समझना आप लोगों को जरूरत है, काफी ज्यादा जरूरी है ये समझना। ये है आपका कंडक्शन बैंड, क्या है आपका कंडक्शन बैंड, और ये है आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड, तो इसमें समझने का कोशिश करना, जो भी चीज बोलेंगे आपको वैलेंस बैंड। तो देखो सबसे पहले कि ये कंप्लीटली फील्ड होता है, ये कंप्लीटली फील्ड होता है, ओके, और ये आपका इम्पटी होता है, इम्पटी होता है। देखो एक चीज और कह सकते हैं, अगर इस जब यहाँ पे आप पार्शियली भी लिख सकते हो, पार्शियली भी लिख सकते हो, और यहाँ पे भी आप पार्शियली लिख सकते हो, ठीक है। तो जब कंप्लीटली फील्ड हो तो यहाँ पार्शियली चल सकता है, जब पार्शियली हो तो यहाँ एम्प्टी चल सकता है, ये फंडा समझे। अब इस गैप को क्या बोलते हैं, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप, इस टॉपिक पे मैं ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनेगा, फिक्स है बनेगा। या एनर्जी गैप, एनर्जी गैप ये बोलते हैं हम लोग। अब आप ही लोग बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है क्या, और ये गैप ज्यादा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा? तो जी नहीं जा पाएगा, क्योंकि गैप ज्यादा है। तो कॉमन सेंस लगाओ, कंडक्टर में क्या होना चाहिए,
कंडक्टर में गैप कम होता है, ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है, तब तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से चला जाएगा वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बॉन्ड में। और इंसुलेटर में क्या होना चाहिए, गैप काफी ज्यादा होता है ताकि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ करंट नहीं हो पाता है। और जब बात करेंगे सेमी कंडक्टर का, तो सिंपल सा बात है, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में उसको रख देंगे, क्योंकि सेमी कंडक्टर का मतलब ये होता है हाफ इंसुलेटर प्लस हाफ कंडक्टर। ओके, ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये कंडक्शन बैंड जो है आपका, ये हो गया क्लियर। अब एक चीज बताओ, इस इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कॉमन सेंस का बात है। तो ये एनर्जी गैप है ना, जितना एनर्जी गैप है, जितना फॉरबिडन गैप है, उतना एनर्जी देना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को इस बैंड में जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब आप समझे, इस सेपरेशन बिटवीन, सबसे पहले आप ये लिखो कि फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप का डेफिनेशन क्या होता है। फॉरबिडन गैप और एनर्जी गैप इसका डेफिनेशन क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन होता है सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। सेपरेशन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप। ठीक है, ये फंडा आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं बताता हूं, इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितना एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ेगा, जितना कि फॉरबिडन एनर्जी गैप है उतना देना पड़ेगा। बार बार एक लाइन को रिपीट कर रहे हैं, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आप लोग बहुत पढ़े, तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन देख भी लो क्या होता है। तो वैलेंस बैंड क्या, अ बैंड विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अ बैंड विच इज ऑक्यूपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपल सा कंसेप्ट है, हो गया। और कह सकते हो अ बैंड हैविंग हाईएस्ट एनर्जी। ठीक है, चलो अब ये क्या होता है, आपको बताया था ना कि पार्शियली और फुली, मतलब मे बी पार्शियली और कंप्लीटली फिल्ड, ये होता है आपका। और नेवर बी एम्प्टी, ये सारा चीज आपको पता रखना है इसके बारे में। और लूजली अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, सिंपल सा बात है, वैलेंस बैंड का बारे में बात कर रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जहां पे होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस से दूर होता है, तो वो अटैच्ड जो होता है वो वीकली होता है, लूजली होता है। तो लूजली attached to the nucleus, तो ये फंडा आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कंडक्टर के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो कंडक्टर के बारे में ही बात करेंगे। देखो कंडक्टर के केस में डायग्राम कैसा होगा, सेमी कंडक्टर के केस में डायग्राम कैसा होगा, और आपका इंसुलेटर के केस में डायग्राम कैसा होगा। सिंपल सा बात है, इस तरह से बनाओ आप तीनों का तीनों। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया, कंडक्टर, तो कंडक्टर के केस में आपका कंडक्शन बैंड को मैं सीबी लिख रहा हूं और वैलेंस बैंड को मैं वीबी लिख रहा हूं। तो ध्यान से देखो ये क्या है, तो ये है एनर्जी लेवल। ओके, इसमें भी है एनर्जी लेवल और इसमें भी है एनर्जी लेवल। ठीक है, ये फंडा आप समझ गए। अब बात करते हैं, ध्यान से देखो ये दोनों टच कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में गैप मिनिमम है, ऑलमोस्ट जीरो है ही नहीं,
तब तो सारा इलेक्ट्रॉन इसमें चला जा रहा है, तो ये कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं, मतलब हाफ कंडक्टर एंड हाफ इंसुलेटर। तो इसके बीच में क्या होता है, गैप होता है थोड़ा सा, कंडक्शन बैंड और ये आपका वैलेंस बैंड। तो इसके बीच में क्या होता है, गैप होता है थोड़ा सा। तो जब आप टेम्परेचर दोगे तो क्या होगा, गैप कम हो जाएगा या इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, जब आप इसमें ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब इलेक्ट्रॉन जो है सो भागना शुरू करेगा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अब इसमें बात करते हैं इंसुलेटर के बारे में। तो इंसुलेटर में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, तो इसके बीच में गैप काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाता है इसमें, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाता है। तो आप क्या समझे, इसमें एनर्जी गैप जीरो होता है, आप यही समझे ना, जीरो होता है बीच में, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, तो आप लोग समझ जाना इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, तो ये आप लोग समझ जाना। तो इसमें एनर्जी गैप जीरो, इसमें एनर्जी गैप जो है सो ग्रेटर देन जीरो, और इसमें एनर्जी गैप जो है सो सबसे ज्यादा, कंडक्टर से ज्यादा सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप और सेमीकंडक्टर से ज्यादा इंसुलेटर में एनर्जी गैप। तो ये फंडा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक कंसेप्ट आप लोग और नोट डाउन करो अच्छे से, बॉन्ड के बारे में बात करते हैं, और ये मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। कंडक्टर है आपका, ये सेमी कंडक्टर है, ठीक है, और ये है आपका इंसुलेटर। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का बीच का जो गैप होता है उसके बारे में आप लोग जान गए उसके बारे में। एक चीज आप लोग और नोटिस कर लो, यहाँ पे नोट डाउन कर लो, सेमी कंडक्टर के केस में फॉरबिडन गैप या एनर्जी गैप का वैल्यू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब सेमी कंडक्टर के केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंसुलेटर के केस में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप ये कह सकते हो कि एनर्जी गैप इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलमोस्ट बोलना, ऑलमोस्ट एप्रोक्स, और इसमें एनर्जी गैप इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसमें एनर्जी गैप इक्वल टू 0, 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा, और इसको आप लोग नोट डाउन करके अच्छे से कॉपी में लिखो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, खास करके सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में एनर्जी गैप कितना होता है, कंडक्टर में एनर्जी गैप कितना होता है। मतलब ये जो आप स्लाइड देख रहे हो ना, इससे पता नहीं, अगर क्वेश्चन बनाना चाहोगे ना तो मोर देन 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। तो एनर्जी गैप कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, ये आप लोग देख लेना। चलो एक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। देखो कंडक्टर, तो कंडक्टर में होता है आपका, कंडक्टर क्या होता है, मेटल कंडक्टर होता है, ये तो आप कह सकते हो कि मेटल कंडक्टर होता है। एम से पकड़ने का कोशिश करना, क्या हो जाएगा, मेटालिक बॉन्ड। ये याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, खुद का इन्वेंट किया हुआ समझो। मेटल कंडक्टर होता है तो मेटल, एम से पकड़ने का कोशिश करना, मेटालिक बॉन्ड। और इंसुलेटर में आई से पकड़ने का कोशिश करना, आप आयोनिक बॉन्ड। इंसुलेटर में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आई से पकड़ में आ गया आपका। और सेमी कंडक्टर बचा, तो सेमी कंडक्टर क्या होता है, देखो सेमी कंडक्टर होता है अर्धचालक, और इसमें यूज करते हैं आपको, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें 1, 2, 3 होता है वो कंडक्टर बन जाता है, जिसमें 4 होता है वो सेमी कंडक्टर बन जाता है, और जिसमें 8 होता है वो इंसुलेटर बन जाता है। तो जैसे सिलिकॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो दूसरा सिलिकॉन, अब एक सॉलिड के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, एक सॉलिड है, कोई कंडक्टर है, एक ही एटम तो होता नहीं है, बहुत सारा एटम होता है। तो मान लो यहाँ भी सिलिकॉन है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपस में पेयर बना लेता है, जैसे कि ये इससे बना लिया, ऐसे करके आप समझो, या आप ऐसे समझो, ऐसा यहाँ है, ऐसे समझो आप, ठीक है। अब देखो सब में चार चार है,
सब में चार चार है, तो क्या होगा, सब में चार चार है, इस तरह से बहुत सारा है, इस तरह से बहुत सारा है। तो ये क्या करता है, आपस में ये इससे बनाया कोवेलेंट बॉन्ड, 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 ये इससे बनाया, ये इससे बनाया, इसी तरह से चलता चला जाता है, क्योंकि ये इनफाइनाइट नंबर में होता है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ये कोवेलेंट, यही मैंने बताया ना। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये तीनों बॉन्ड का नाम आप लोग याद रखना, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि किसमें कौन सा बॉन्ड होता है। कंडक्टर का कैसे याद रखोगे, मेटल कंडक्टर होता है तो एम से मेटालिक बॉन्ड, इंसुलेटर का आई से ही पकड़ में आ जाएगा आयोनिक बॉन्ड, और सेमी कंडक्टर का याद रखना कोवेलेंट बॉन्ड। तो इतना सारा कंसेप्ट आपका कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर का था। इसके बाद जो है सो फॉरबिडन गैप जो मैंने बताया आपका एनर्जी गैप, ये कितना होता है, गैप कितना होता है, ये आप लोग देख लेना। वैलेंस बैंड का डेफिनेशन क्या होता है ये देख लेना, और कंडक्शन बैंड का मैंने लिखा नहीं है, सिंपल सा बात है कि ये कम्प्लीटली फिल्ड है और वो कम्प्लीटली एम्प्टी है, सिंपल सा बात, और कुछ है ही नहीं, ओके। और ये इस डायग्राम को आप लोग जितना हो सके उतना समझने का कोशिश करो, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। और मोबिलिटी का डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, मोबिलिटी इंडिकेट्स हाउ क्विक अ चार्ज कैरियर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा फंडा आप समझने का कोशिश करो और समझ जाओगे, ठीक है। लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर लिए हो, बेल आइकन का बटन दबाना, और कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा। और इसी तरह मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा इसी तरह से बताने का एक्सपीरियंस भी है, और ये मैं तरीका ऐसा ही यूज करता हूँ। मेरा मेन मकसद होता है समझाने का, ऐसा ना कि 100% सिलेबस कंप्लीट और अगर आपसे बैठा करके आपसे पूछा जाए तो 20% का आंसर भी ना दे पाओ, तो ये मेरा एम नहीं होता है। मेरा एम होता है कि जितना मैं आपको पढ़ा दूं ना उससे कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटना चाहिए, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, आप लोग बस फॉलो करते जाओ अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।